हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरी। तो सबसे पहले तो हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्ड, उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि अगर आपको मार्केट से अगर कोई स्क्रू लेना है, या फिर कोई बोल्ट लेना है, या फिर कोई कील लेनी है जो दीवार में हम लगाते हैं, तो आप कैसे मार्केट से वो खरीदोगे? तो सबसे पहले तो जो दुकान वाला है उसे आप बोलोगे कि मुझे जो बोल्ट है उसका हेड डायामीटर कुछ इतना होना चाहिए, बोल्ट का जो लेंथ है वो कुछ इतना होना चाहिए, बोल्ट की जो थ्रेड साइज है वो कुछ इतनी होनी चाहिए। यानी कि आप दुकान वाले को स्पेसिफिकेशन बता रहे हो और उस स्पेसिफिकेशन का आप बोल्ट खरीदोगे। अब इसी तरीके से अगर आपको बैटरी परचेस करनी है मार्केट में से, तो आपको बैटरी के स्पेसिफिकेशन बताने पड़ेंगे। यानी बैटरी के जो स्पेसिफिकेशन है उसे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं बैटरी की। ठीक है, अब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बैटरी की? जैसे कि उसका वोल्टेज कितना है, कितनी चार्जिंग कैपेसिटी है, फिर एनर्जी स्टोर कितनी है, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में हम जो बैटरी की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी स्पेसिफिकेशंस है उसकी बात करेंगे। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो पहली characteristics हम देखते हैं cell and battery voltage. अब cell and battery voltage क्या है ये समझ लेते हैं पहले। तो हर एक बैटरी होती है उसका खुद का कुछ पोटेंशियल होता है, उसका खुद का कुछ वोल्टेज होता है, जिससे करके वो जो भी चार्ज है उसको धक्का मार सके, जिससे करके चार्ज सर्किट में फ्लो हो सके, जिससे करके करंट सर्किट में फ्लो हो सके। ठीक है, यानी कि बैटरी का काम क्या है, उसको एनर्जी ट्रांसफर करना। यानी कि पोटेंशियल क्या करेगा, चार्ज को एनर्जी ट्रांसफर करेगा और सर्किट में उसको फ्लो कराएगा। जैसे कि यहां पे एक बैटरी लेके रखी है हमने, ठीक है। अब यहां पे कुछ चार्ज आया, अब ये चार्ज यहां पे आया नेगेटिव टर्मिनल पे, तो बैटरी क्या करेगी, उसका कुछ पोटेंशियल होगा, वोल्टेज होगा, तो उसको धक्का मारेगी, यानी उसको कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगी। तो यहां पे चार्ज एनर्जेटिक हो जाएगा और ऐसा एनर्जेटिक चार्ज कहां जाएगा, लोड में जाएगा। अब लोड में ये एनर्जेटिक चार्ज अपनी एनर्जी खर्च कर देगा सारी की सारी, जिससे करके ये जो लोड से चार्ज बाहर निकला उसके पास फिलहाल कुछ एनर्जी नहीं। अब ऐसी कम एनर्जी वाला चार्ज वापस बैटरी में जाएगा, बैटरी क्या करेगी, उसके पास कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ वोल्टेज होगा, जिससे करके उसे धक्का मारेगी, एनर्जी ट्रांसफर करेगी, वापस से चार्ज एनर्जेटिक बन जाएगा, वापस एक्सटर्नल लोड में जाएगा, एनर्जी खर्च के वापस बैटरी में आ जाएगा। अब ये जो बैटरी है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं सीरीज में कनेक्ट किए गए। तो यहां पर मैंने तीन सेल बना के रखे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी के साथ, और इनका जो पोटेंशियल है वो सपोज करते हैं E के बराबर होता है। और हमें यह भी पता है कि बैटरी के अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि सपोज हमने कर लिया R के बराबर है। अब ये बैटरी को हम एक्सटर्नल लोड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें बैटरी का वोल्टेज जानना है, यानी ये दो पॉइंट के बीच का कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें जानना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करेंगे। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करने के लिए आपको पता है हमें एक लूप कंसिडर करना पड़ता है, तो हमने ऐसा कुछ लूप क्लोज लूप कंसिडर कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये दो जो टर्मिनल है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी का वैल्यू चाहिए। तो वी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां से करंट जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी पोटेंशियल गेन हुआ यानी प्लस, प्लस कितना, E जितना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पे रेजिस्टर है, रेजिस्टर में करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन दोनों सेम है, लूप ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रहा है, यानी कि रेजिस्टर में अब क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, क्यों, डायरेक्शन सेम है लूप का और करंट का, इसलिए ड्रॉप के लिए नेगेटिव साइन। और हमें पता है रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो आई आर के बराबर, यानी ये जो बैटरी का पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, ई माइनस आई आर के बराबर। तो ये सारी बात थी वोल्टेज के बारे में। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, चार्जिंग कैपेसिटी, ठीक है, या फिर बोल लो चार्ज कैपेसिटी। अच्छा, अब ये जो कैपेसिटी है वो कैसी कैपेसिटी है, कि बैटरी जो है कितना चार्ज स्टोर कर सकती है या फिर बैटरी कितना चार्ज दे सकती है, दैट इज नोन एज चार्जिंग कैपेसिटी। और इसका जो यूनिट है वो एम्पियर इंटू आवर है। अब ये चीज को समझने के लिए सपोज मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक बैटरी है, उसका चार्ज कैपेसिटी या चार्जिंग कैपेसिटी कितनी है, 10 एम्पियर इंटू आवर जितनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 एम्पियर इंटू आवर को मैं 10 एम्पियर इंटू 1 आवर लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला, कि हमारी जो बैटरी है वो 10 एम्पियर का करंट दे रही है एक घंटे तक।
ठीक है, यानी एक घंटे के बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। या फिर ऐसे बोल लो कि अगर हम एक घंटे तक बैटरी को चार्ज करें 10 एम्पियर के करंट से, तो बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाएगी। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में था। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड। अब एनर्जी स्टोर्ड क्या है? तो एनर्जी जो स्टोर्ड है वो दो चीज पे डिपेंड करती है। कौन सी दो चीज? पहले तो एक वोल्टेज पे डिपेंड करती है और चार्ज कैपेसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, एनर्जी स्टोर्ड किस पे डिपेंड करती है? वोल्टेज पे डिपेंड करती है और चार्ज कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। अब बैटरी के वोल्टेज का यूनिट क्या आएगा? वोल्ट आएगा, तो वी लिख लिया। चार्ज कैपेसिटी का यूनिट क्या आएगा? चार्ज कैपेसिटी का यूनिट आएगा एम्पियर इंटू आवर, तो एम्पियर इंटू आवर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये एम्पियर को मैं इधर ले आया, वोल्टेज इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर कर दिया, मल्टीप्लाई विथ आवर कर दिया, ठीक है। अब वोल्टेज इंटू एम्पियर क्या बन जाएगा? वॉट बन जाएगा। क्यों वॉट बन जाएगा? क्योंकि हमें इक्वेशन पता है, P = VI, पावर का यूनिट वॉट है, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है, करंट का यूनिट एम्पियर है, तो V into I की जगह पे हम वॉट लिख सकते हैं और आवर एज इट इज। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा वॉट इंटू आवर के बराबर। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी। अब स्पेसिफिक एनर्जी यानी क्या, वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम एक बैटरी ले, जो यहां पे मैंने लेके रखी है, एक बैटरी ले, सपोज करते हैं ये बैटरी का जो वेट है, वजन जो है, मास जो है, स्पेसिफिकली बोलूंगा मास जो है, वो 6 kg के बराबर है, ठीक है। अब ये बैटरी के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, ये बैटरी के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, किसके टर्म में? वॉट इंटू आवर के टर्म में इसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। अब अगर हम 1 kg का मास ले बैटरी का, 1 kg का मास ले बैटरी का, तो ये 1 kg के मास में बैटरी में कितनी एनर्जी स्टोर होके रखी है, उसे हम स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। वापस एक बार, 1 kg मास के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, उसे हम स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया स्पेसिफिक एनर्जी जो है किसकी, बैटरी की, वो 5 Wh/kg है। इसका मतलब क्या हुआ? वॉट आवर किसका यूनिट है? वॉट आवर है एनर्जी स्टोर का यूनिट। यानी ये बैटरी जो है वो 5 Wh जितनी एनर्जी 1 kg के अंदर स्टोर करके इसने रखी है, जिसे हम स्पेसिफिक एनर्जी बोल देंगे, ठीक है। अब ये तो 1 kg की बात हुई, इतनी एनर्जी स्टोर करके रखी है, तो 6 kg में कितनी स्टोर की होगी पूरी बैटरी में? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 kg मल्टीप्लाई विथ 5 Wh/kg, तो kg कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 × 5 = 30 Wh/hr। इतनी वॉट इंटू आवर, इतनी वॉट इंटू आवर बैटरी ने स्टोर करके रखी है। अब नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी जो है वो स्पेसिफिक एनर्जी जैसा ही है। स्पेसिफिक एनर्जी में हमने क्या बोला कि 1 kg के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, उसे हम स्पेसिफिक एनर्जी बोलेंगे। उसी तरीके से अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करें, तो हम बोलेंगे कि 1 m³ वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, उसे हम एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि अगर आपने मार्केट में से एक पेंसिल सेल खरीदा और वो पेंसिल सेल को आपने 3 साल तक यूज ही नहीं किया, और 3 साल बाद अगर वो पेंसिल सेल को आप रिमोट में डालते हो या फिर घड़ी में डालते हो, तो क्या लगता है आपको, घड़ी रिमोट चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो पेंसिल सेल है, वो जो बैटरी है, वो पड़ी पड़ी डिस्चार्ज हो जाएगी अपने आप से, जिसे हम बोलेंगे सेल्फ डिस्चार्जिंग। अगर दूसरा एग्जांपल मैं बोलूं आपको, तो जैसे कि एक मोबाइल फोन है हमारे पास, वो मोबाइल फोन को हमने 3-4 साल तक हमने चार्ज किया ही नहीं, यानी मोबाइल फोन 3-4 साल तक अनचार्ज कंडीशन में पड़ा रहा। अब 4 साल बाद ऐसा मोबाइल या फिर ऐसी बैटरी आप उसको चार्ज करोगे, तो मोबाइल फोन चार्ज तो हो जाएगा, बैटरी तो चार्ज हो जाएगी, लेकिन थोड़े ही समय बाद वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगी खुद ही, यूज किए बिना, तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ डिस्चार्जिंग। जो सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट बढ़ जाएगा,
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने पे जो भी बैटरी है उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4 का, उसमें आयोनाइजेशन प्रोसेस क्विक हो जाएगा। आयोनाइजेशन यानी क्या? सेपरेट हो जाएंगे ये 4H और SO4, और आयोनाइजेशन अगर क्विक हुआ तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। करंट फ्लो होना चालू हो गया यानी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा बैटरी का, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लेते हैं बैटरी टेम्परेचर, हीटिंग एंड कूलिंग। अब ये समझने के लिए हमें पता है कि कुछ बैटरी जो होती है वो एम्बियंट टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पे काम करती है, यानी रूम टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी भी बैटरी आती है जो रूम टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाती, उसके लिए थोड़ा हाई टेम्परेचर जरूरी होता है। तो अब ऐसी बैटरी जो हाई टेम्परेचर पे काम करती है उसे स्टार्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर देना जरूरी है। अगर हाई टेम्परेचर देना है तो इनिशियली आपको बैटरी को हीटिंग करना पड़ेगा। अब बैटरी का हीटिंग होने के कारण क्या होगा? वापस से आयोनाइजेशन प्रोसेस क्विक हो जाएगा। आयोनाइजेशन प्रोसेस क्विक हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि बैटरी स्टार्ट हो जाएगी। अब बैटरी एक बार स्टार्ट हो गई, बाद में वो बैटरी का आपको कूलिंग भी करना पड़ेगा। क्यों कूलिंग करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपने हीटिंग चालू ही रखा तो आयोनाइजेशन प्रोसेस तो क्विक हो जाएगा, तो डिस्चार्जिंग करंट भी क्विक हो जाएगा, तो जल्दी से बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए एक बार बैटरी को चालू करने के लिए हीटिंग जरूरी है, और एक बार बैटरी चालू हो गई, करंट देना शुरू कर दिया, बाद में उसे कूलिंग भी जरूरी है। तो ऐसी चीज को हम बोलेंगे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अ बैटरी। नेक्स्ट है बैटरी लाइफ एंड नंबर ऑफ डीप साइकिल। अब ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन है, उसकी बैटरी की लाइफ कितनी हो सकती है? हम बोलेंगे 3 या फिर 4 साल तक। यानी कि जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे और बाद में जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी, वो एक साइकिल हो गई, वापस चार्ज डिस्चार्ज एक दूसरी साइकिल हो गई। ऐसी साइकिल 4 साल तक चलेगी और बाद में क्या होगा? बैटरी फेंकने लायक हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो साइकिल है वो किस पे डिपेंड करेगी? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, बैटरी के यूज पे। जैसे कि अगर हम बैटरी को 2 दिन में चार्ज कर रहे हैं तो उसकी साइकिल थोड़ी लंबी होगी, अगर बैटरी को 1 दिन में चार्ज कर रहे हैं तो उसकी साइकिल कम हो जाएगी। अब ये साइकिल समझने के लिए यहां पे मैंने वाटर टैंक का एग्जांपल लेके रखा है। अब ये वाटर टैंक हमारी बैटरी है। अब वाटर टैंक में हमने पानी भरा यानी बैटरी को चार्ज किया, ठीक है। वाटर टैंक में से पानी ले लिया यानी इसे डिस्चार्ज कर दिया। जब इसे डिस्चार्ज किया तब हमने देखा कि वाटर टैंक के अंदर कुछ नील की लेयर जम गई है, कुछ क्षार जम गया है, ठीक है। बाद में वापस से चार्ज किया, वापस से डिस्चार्ज किया, तब देखा कि और ज्यादा लेयर जमी है नील की। ऐसे करते करते हमने देखा कि यहां पे नील की लेयर 20% जितनी जम गई है, कितने में से? 100% में से, ठीक है। अगर 20% नील की लेयर जम गई तब ये टैंक है वाटर की वो यूजलेस हो जाएगी, उसे हमें फेंक देनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो हमारी बैटरी होती है उसे हम चार्ज डिस्चार्ज नंबर ऑफ साइकिल कब तक कर सकते हैं? जब तक बैटरी के अंदर 20% चार्ज का लॉस ना हो जाए। 20% चार्ज का लॉस हो गया 100% में से, फिर वो बैटरी हमें फेंक देनी पड़ेगी। अब ये और अच्छे से समझने के लिए यहां पे मैंने लीड एसिड बना के रखी है। हमें पता है कि जब बैटरी चार्ज देती है यानी डिस्चार्ज जब होती है, करंट देती है, तब क्या होता है? ये एनोड और कैथोड पे कुछ लीड सल्फेट PbSO4 की व्हाइट परत जमना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, वापस से उसको चार्ज करेंगे, चार्ज किया तो ये परत वापस से हट जाएगी, लेकिन कुछ परत फिलहाल अभी भी लगी रहेगी। अच्छा, अब वापस से इसको अगर हमने डिस्चार्ज किया तो वापस से व्हाइट लेयर लीड सल्फेट की बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वापस से इसे चार्ज किया, वापस से कुछ परत हट जाएगी लेकिन कुछ परत तो बची रहेगी। तो ये बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज कब तक कर सकते हैं? जब तक 20% लेयर इस पे ना आ जाए तब तक। तो ये सारी बातें थी बैटरी लाइफ एंड नंबर ऑफ डीप साइकिल। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।